नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग एक पैसिव इनकम है, तो यहां पे वैसे ही बहुत ज्यादा पैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, तो ये स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज होती चलती है। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आप जो है अपने हिसाब से, मतलब कब ऐसा टाइम होता है, ऐसा कौन सा टाइम होता है जब आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की इनकम को 10 गुना कर सकते हैं, और आपको किस तरह से इसको जो है फायदा उठाना है, और किस तरह से अपनी इनकम को बूस्ट करना है, और कब कब आपको बूस्ट करना है, ये मैं थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल में कोई मैं आपको पॉइंट्स नहीं बताने वाला कि आप ये करो ये करो ये करो तो आपके पास ऐसा होगा। तो मैं आपको मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाकर प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मार्केटिंग बाय मंजीत सिंह। सो दोस्तों, मेरे को अगर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा आईडी है टेक गुरु मंजीत, तो आप वहां पे जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। हर सैटरडे को मैं आपके लिए लाइव आने वाला हूं वहां पे, तो लाइव आने के बाद आपके कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब मैं वहीं पे दे दूंगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और वहीं चल के देखते हैं कि वाकई हम जो है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अपनी इनकम को 10 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल ओपन है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं लेके चलता हूं एक नए टैब पे और यहाँ पे मैं amazon.in को ओपन करते हैं। और जैसे ही यहाँ पे हमने amazon.in को ओपन करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैनर देखने को मिल रहा है जहां पे लिखा हुआ है यहाँ पे 3 days to go, सेल स्टार्ट अर्ली फॉर प्राइम मेंबर्स, दैट इज ऑन 28th of September। बट अगर जनरल पब्लिक की बात करें तो 29 सितंबर से लेके 4th अक्टूबर तक ये ग्रेट इंडिया फेस्टिवल जो है ये यहां पे धूम मचा रहा है। अब इसका फायदा जो है कैसे उठा सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि एफिलिएट कर रहे हो तो यार अमेज़न के से बेहतर प्लेटफॉर्म तो आपके लिए कोई हो नहीं सकता। तो आप देखते हैं यहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको आपको प्रमोट करना है, लेकिन इसको जो है बेनिफिट कैसे उठाना है। एज वी ऑल नो दैट कि अभी जो है अमेज़न बहुत ज्यादा एडवर्टाइज कर रहा है, तो हमें जो है अपनी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, अगर आपके पास है वेबसाइट्स हैं तो तभी आप एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत ज्यादा अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो यहां पर जो है आपको करना क्या है कि अपने वेबसाइट के अंदर कुछ पेजेस क्रिएट करने हैं। अब वो पेजेस क्रिएट करने से फायदा क्या होने वाला है ये मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं, और क्योंकि यहां पे Amazon बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो सबसे पहले मैं यहां पे आपको google.com और यहां पे स्लैश हम ट्रेंड करते हैं, तो ट्रेंड्स पे जाके मैं प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं, ये थ्योरेटिकल नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं यहां पे कितना बड़ा बूस्ट जो है आपको इस एडवर्टाइजमेंट से आया है। तो यहां पे हमारा टारगेट ऑडियंस जो है वो है, टारगेट कंट्री है दैट इज इंडिया, तो मैं यहां पे इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूं बिकॉज ये .in जो है ये अभी इंडिया के अंदर ही चल रही है ग्रेट इंडिया, यहां पे आपका क्या चल रहा है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, तो मैं यहां पे जाके Amazon वर्ड का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा, यहां पे मैं लिखता हूं ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ठीक है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, लिख के मैं अब यहां पे सर्च करता हूं। जैसे ही मैं यहां पे सर्च करता हूं तो अब आप देख सकते हैं यहां पे ग्राफ देखो कहां पे कहां है, ग्राफ देखो यहां पे किस तरह से ऊपर उठ रहा है, ठीक है ना, आप देखो यहां पे वॉल्यूम कितना है, कितना यहां पे ग्राफ है, वैसे इस कीवर्ड के ऊपर आपका ये ग्रेट इंडिया फेस्टिवल के ऊपर अगर आप देखो तो यहां पे पिछले साल आया था ग्रेट इंडिया फेस्टिवल, उस वक्त यहां पे ग्राफ था, और इस बार का ग्राफ आप देख सकते कहां का कहां पहुंच गया है। अब मैं पिछले यहां पे, क्योंकि ये 2016 से स्टार्ट कर रहा, मैं 5 साल का ग्राफ आपको दिखाता हूं, तो आप देख सकते यहां पे जो है आपका 5 साल का ग्राफ आप देख सकते हो, पहले 2016 से इन्होंने स्टार्ट करा था ग्रेट इंडिया फेस्टिवल, तो यहां पे आप देख सकते हो बहुत ही कम ट्रैफिक था, उसके बाद धीरे से बढ़ा फिर बढ़ा, और इस साल तो आप देख सकते हैं यहां पे कितना ज्यादा बूस्टअप यहां पे मिल रहा है। तो इस बार जो है बहुत ज्यादा यहां पे एडवर्टाइज किया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रैफिक जो है इसके ऊपर आ रहा है। तो अगर आप यहां पे, अभी मैं गूगल पे चलता हूं और यही वर्ड को मैं यहां पे गूगल के ऊपर भी लिखता हूं, यहां पे हम लिखते हैं ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ठीक है ना, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल,
यहाँ पे हम लिख के यहाँ पे सर्च करते हैं तो आप देख सकते हो सबसे पहले तो Amazon आना ही है क्योंकि ये उसका फेस्टिवल है, दैट इज ट्रू। बट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2019 सेल एंड फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे। अभी इसके साथ में आपका फ्लिपकार्ट का भी बिग बिलियन डे आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, NDTV गैजेट्स, यहाँ पे लाइव मिंट, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये काफी बड़े बड़े देखो न्यूज चैनल क्या करते हैं, इस चीजों को कवर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको पोटेंशियल दिखता है, उनकी जो टीम है डिजिटल मार्केटिंग जो करती है टीम, जो SEO करती है टीम, वो क्या करते हैं इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाते हैं। कोई दूसरा एडवर्टाइज कर रहा है, कोई दूसरा वहां पे जो है अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स है ना, मैं फर्स्ट पेज के ऊपर ही है हम, यहाँ पे आपका gadgets.india.com, फिर यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स है, फिर यहाँ पे इंडिया डिजायर है, फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिया टुडे है, फिर यहाँ पे फ्री काम माल जो भी है इसमें है ना, तो .com ये हो गया। तो ये आपकी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अलग हैं, लेकिन बाकी सबको देखो ये क्या है, आप इंडिया टुडे को ओपन करता हूँ ठीक है ना, यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे गैजेट्स इंडिया NDTV को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर ये कर क्या रहे हैं, ये फायदा उठा रहे हैं इसकी सेल का, जो बूस्ट आया है मार्केट के अंदर उसका फायदा उठा रहे हैं। और फायदा उठाने से क्या हो रहा है कि अब इनका पेज क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर वन के ऊपर रैंक कर रहा है इनका आर्टिकल। अब उसके वजह से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने गूगल की एड लगा के रखी है, यहां पर गूगल की एड लगा के रखी है, तो इससे भर भर के ट्राफिक इनके पास भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रखा, वही यहाँ पे कुछ इन्होंने खुद ऐड नहीं करा है, वहां पे जो मैंने Amazon पे ये चीज आपको दिखाई इसी को यहां से कॉपी करके यहाँ पे एक इमेज बना के पेस्ट कर दिए। अब इसके बाद हाइलाइट्स में लिख दिया कुछ हाइलाइट के बारे में, एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे बना के कुछ 1000 words के आसपास है बनाकर यहाँ पे छोड़ दिया है ठीक है ना। और इसके जरिए ही वो क्या कर रहे हैं, पूरा यहाँ पे इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड दी डिजिटल मार्केटिंग, इसको बोलते हैं SEO, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। आप दूसरों को ट्रेंड में जो चीजें हैं जो ज्यादा हाईलाइट हो रही है उनको आप यहाँ पे यूज करके किस तरह से खुद, आप देखो यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स ये खुद ही एक बहुत बड़ी न्यूज वेबसाइट है, इसके ऊपर वैसे ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने भी कितनी बड़ी एड एक ये लगा के रखी है, एक ये लगा के रखी है। यहाँ पे लिखा हुआ है Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल कमिंग सून विद दिस इंपॉर्टेंट लॉन्चेस, यहाँ पे कुछ उन्होंने जो हाईलाइट करे थे वही। ये देखो बैनर इन्होंने खुद नहीं बनाए हैं, ये बैनर्स जो है ये इन्होंने खुद नहीं डिजाइन करे, ये सारे के सारे बैनर जो है Amazon से ही कॉपी किए गए हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया है। वहां पे जो हाईलाइट दिख रहा है उसी को यहाँ पे जो है दिखा दिया है, यहाँ पे एक एक छोटा छोटा आर्टिकल बना के 2-3 दिखा दिए। और देखो यहाँ पे भी एड बीच में लगी हुई है, यहाँ पे Samsung Galaxy M10S और यहाँ पे जो है आपका Xiaomi का 50 inch के ये आपका स्मार्ट टीवी है, यहाँ पे OnePlus TV है। तो ये जो है उन्होंने जो हाईलाइट करे हैं उन्हीं को अपने यहाँ पे लगा के देखो कितनी एड लगा के रखी है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे बेनिफिट उठा रहे हैं क्योंकि Amazon ने सबसे ज्यादा यहाँ पे इस साल जो है एडवर्टाइज करा, इतना ज्यादा हमें Flipkart के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे क्या है, इन्होंने Amazon को टारगेट करा। अब मैक्सिमम आप देखो यहाँ पे जितने भी चीजें दिख रही है आपको गूगल के ऊपर, वो किसको दिख रही है, यहाँ पे Amazon के लिए ज्यादा दिख रही है ठीक है ना। Flipkart के लिए आपका क्या मिला, यहाँ पे ये आपका एक Flipkart के लिए दिखा, बाकी आपकी सारी चीजें जो है जो ज्यादा मार्केट के अंदर चल रहा है जिसका ज्यादा बूस्टअप है उसको ज्यादा यहाँ पे कवर करा गया। आप देखो यहाँ पे जो है एक Amazon को Amazon की एडवर्टाइज को यहाँ पे देखो, ये उसकी खुद की वेबसाइट पे है, किसकी, यहाँ पे gadgetsindia.ndtv.com, यहाँ पे देखो बिग बिलियन डे का इन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है ठीक है ना। ये पेज जो ओपन हुआ है इस पे बिग बिलियन डे का नहीं, देखो Xiaomi का लिखा हुआ है ठीक है ना, यहाँ पे Amazon का एक ये तो 13 अक्टूबर को यहाँ पे जो है 2018 में जो डला था वो भी यहाँ पे रैंक कर रहा है दोबारा से, क्योंकि पहले उन्होंने जो है इसके ऊपर काम करके रखा है। और अभी जो है लेटेस्ट वाले में अगर देखें तो लेटेस्ट वाले में हमारा यहां से स्टार्ट होता है, तो ये 10 सितंबर को पोस्टिंग करी एक, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है Amazon ग्रेट इंडिया फेस्टिवल, अब यहाँ पे OnePlus TV जो है एक आ रहा है तो 12 सितंबर को लिखा, फिर 17 सितंबर को लिखा, फिर 19 सितंबर को लिखा, फिर 23 सितंबर को लिखा। चीजें वही हैं, बस लिखने का थोड़ा टाइटल अलग कर दिया है। अंदर अगर आप ओपन करके देखोगे वही चीजें आपको दिखने वाली हैं, जो चीजें आपकी लिखी हुई हैं वही चीजों को बस तोड़ मरोड़ के वापस लिखा गया है। यहां पर भी देख सकते हैं आप OnePlus Xiaomi का है लिखा हुआ है
ठीक है ना। अभी ये दूसरे चीजें भी ओपन हो रही हैं, यहां पर भी आप देखोगे तो यहां पर भी आपको वही सारी चीजें जो है मिलने वाली हैं। उसी चीज को लेके जो है यहां पे लिखा गया है। तीसरे आर्टिकल के ऊपर ओपन करते हैं तो ये आपका 29 सितंबर को जो है आपका लिखा हुआ है, तो यहां पर भी आपकी वही सारी चीजें जो आपका वहां पे दिख रही थी, देखो वही सारी चीजें यहाँ पे 1 TB है, तो जो ही चीजें आपकी वहां पे है उसी चीज को तोड़ मरोड़ के जो है कंटेंट राइटर इनके क्या करते हैं बार बार लिखते हैं, और उसी चीज को बार बार लिखने से क्या हुआ कि इनकी वेबसाइट पे बूस्ट आ गया, ठीक है ना। तो वैसे इनकी बूस्ट आता है तो ऐसा हमें भी करना है, हमें भी हमारी वेबसाइट एज अ एफिलिएट के अंदर हमें भी वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट के अंदर हमें भी जो है इस तरह के जो पूरे इनके ट्रेंड्स आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट के हो, अमेजोन के हो, इसका हमें भी फायदा उठाना है। हमारी खुद की वेबसाइट के ऊपर भी अमेजोन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स डालने हैं, जैसे डेट आपके ये लोग डिक्लेयर करें वैसे ही आपको उनके आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर डालने स्टार्ट कर देने हैं, और डेफिनेटली जो है आपको भी यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्रैफिक जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे स्क्रोल डाउन करते हैं, यहाँ पे टॉप हंट जो है ये इसको हम चलते हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं tophunt.in है, तो ये आपका एक जो है यहाँ पे ट्रेंडिंग वीडियोस वगैरह बनाते हैं या कुछ भी लिखते हैं, आर्टिकल्स वगैरह हैं, तो आप देखो यहाँ पर भी इन्होंने क्या करके रखा है, ये आपका कुछ ब्लॉगिंग टाइप का वेबसाइट है, तो यहाँ पे क्या है कि इनको भी कुछ ज्यादा नहीं लिखा हुआ, देखो बहुत कम लिखा हुआ है, और उसके बीच में पूरी एडवर्टाइज एडवर्टाइज भर भर के डाल के रखी, ये एडवर्टाइज रही, ये एडवर्टाइज रही, फिर यहाँ पे इतना सा लिखा, फिर एडवर्टाइज आ गई, फिर यहाँ पे एडवर्टाइज आ गई, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे फिर वापस एडवर्टाइज आ गई, तो ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है देखो फिर एडवर्टाइज आ गई। एक एक इस आर्टिकल के अंदर जब पोटेंशियल है तो आपको भी इसका इसी तरह से बेनिफिट उठाना है, राइट। तो ये है आपका सबसे आसान तरीका। अब ऐसे में क्या है कि आपकी वेबसाइट पे ऊपर ट्रैफिक भी भर भर के आने वाला है, और जब भर भर के आएगा तो ये आपका जब से ये सेल चलेगी तो उस दौरान आपकी भी कन्वर्जन रेशियो जो है बहुत ज्यादा होने वाले हैं, और आपकी सेल जो बाकी नॉर्मल डेज के अंदर जो आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की जो इनकम है उससे अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यहां पे आपका करीब 10% ज्यादा, 10 गुना ज्यादा आपको यहां पे कन्वर्जन रेशियो जो है इस दौरान देखने को मिलेगा। सो दोस्तों आई एम श्योर कि आपको जो है ये अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह से आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केट के ऊपर ध्यान किस तरह से रखना है, किन चीजों को टारगेट करके आपको भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज करना है, और उसके दौरान जो है जब ट्रैफिक आएगा तो डेफिनेटली कन्वर्जन रेशियो भी आपके पास यहां पे होने वाला है। सो दोस्तों आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि कोई भी आपका डाउट है, कोई भी सवाल है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दोस्तों अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।